नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं नेशन भारत न्यूज। प्रशांत किशोर और कांग्रेस की नजदीकियों को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम नीतीश से आज जब जनता दरबार कार्यक्रम के बाद पीके और कांग्रेस के संबंध में बाबत पूछा गया तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर से उसके संबंध व्यक्तिगत रहे हैं, आज भी उनके रिश्ते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के राजनीतिक फैसलों को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। पीके कहाँ जा रहे हैं यह उनकी मर्जी है। हम लोग इजाजत देते हैं कि पूरा करिए, पूरे तौर पर सबकी इज्जत करते हैं, हम लोग किसी को अपमानित नहीं करते। इज्जत इसलिए करते हैं कि सब जरा पूरे तौर पर विश्वास रखो और कहीं एक दूसरे के खिलाफ मत करो गड़बड़ी। अपना पूरे तौर पर अपनी तरफ विश्वास रखो और करो, खुद करना है जो भी तुमको जो भी करना है। हम नहीं देखें, अगर स्टेटमेंट पर आए तो हमको बता दीजिएगा फोन से, हम तुरंत पूछ लेंगे उनसे काहे के लिए बोले। हमारे पास तो कहीं कुछ होता है तो तत्काल पूछ लेते, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। कोई भूल से कोई चीज़ बोल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन हम लोग तो अलर्ट रखते हैं भाई, सब चीज़ में नहीं कुछ इंटरफेयर। इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं, हमारी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। देखिए, सबको अपना अधिकार है, राजनीतिक रूप से कोई क्या करना चाहता है उसका अपना अधिकार है। हमसे व्यक्तिगत संबंध रहा है भी, लेकिन मुझसे जब बातचीत होती है कभी भी तो ये सब बात तो कभी नहीं होती। तो हम तो पहले भी बता चुके हैं, मेरी तबीयत खराब थी तब करना, या दिल्ली गए हुए थे तो हालचाल लेने के लिए, तो हमसे जो संबंध है दूसरा है। लेकिन राजनैतिक रूप पर तो सबको अधिकार ना है भाई कि कौन क्या करना चाहता हो। सबसे पहले किन के साथ था? बीजेपी के साथ था, मान लीजिए हम लोगों के साथ आया, फिर कहाँ चला गया, कहाँ कहाँ गया, तो उसकी अपनी इच्छा ना है भाई, किसी भी व्यक्ति की अपनी इच्छा, उसमें हम क्या इंटरफेरेंस करें कि कहाँ किन से बातचीत हो रही है, नहीं बातचीत हो रही है। हाँ, हमसे फिर अगर बातचीत होगी तो हालचाल पूछ लेंगे, आप लोग जो पूछ लेकिन हमसे बात होगी तो हालचाल पूछेंगे, लेकिन ऐसे हमारी कोई इसमें मतलब कि इंटरफेरेंस नहीं, न इस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया है, न कोई भी कुछ करता है उसमें हमारा कोई इंटरफेरेंस। देखिए, ये सब बाई इलेक्शन कोई बहुत मतलब नहीं है, कोई खास बात नहीं है, कहाँ पर कौन था। अब हम लोगों के यहाँ मान लीजिए कि एक जगह बाई इलेक्शन में अगर मात हार हो गई थी, कौन ऐसी खास बात है, लोग की जो इच्छा जैसे कि कुछ बात हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए नेशन भारत न्यूज। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।